तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के ये जो पार्ट हैं आपको इन फ्यूचर पेपर के अंदर मिल सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आपको ये बात पता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम लोग प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने ये फार्मूला शीट पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है प्रोडक्ट रूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू एंड वी जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ यू लेंगे, वी मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करने के बाद वी का डेरिवेटिव लेके यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। तो प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला है वो ये है। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों। ठीक है जी स्टूडेंट, तो फिलहाल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इसका डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो ये फार्मूला आपके पास फार्मूला शीट पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा, इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे। तो चले जाए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है एच एक्स इक्वल टू 2x-5 इंटू 5x+7। ठीक है जी बेटा, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को हूबहू लिख लिया। हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना है? डेरिवेटिव लेने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा, इस लाइन का मतलब ये है कि d/dx बेसिकली ये सिंबल है डेरिवेटिव का, कि भाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, किस पे? h(x) पे। इसी तरीके से साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x-5 इंटू 5x+7। सही है जी स्टूडेंट। अब ये बात आपको पता है कि डेरिवेटिव के अंदर दो चीज़ें जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? पहले यू का डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लाई बाय वी, और फिर वी का डेरिवेटिव लेके यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आपके पास पहली वाली चीज़ है, इसको यू कंसिडर कर लें और दूसरे वाले को आप वी कंसिडर कर लें। सही जी बेटा, और सिंपल इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दें और अपना आंसर दे दें। सही जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? d/dx f x के साथ लगाएं, यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो हम इसके ऊपर h- डाल देंगे जो कि हमें बताएगा कि इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, अब आ जाइए यहाँ पर, इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं इससे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई u का डेरिवेटिव, u हमारे पास यहाँ पे पहले वाली टर्म होती है, तो डेरिवेटिव ऑफ u, u हमारे पास पहली टर्म क्या लिखी है? 2x-5। इतनी बात समझ में आती है? तो उसके बाद में ये मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? वी। वी हमारे पास यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है? 5x+7 को। इतनी बात समझ आती है? फिर क्या लिखा है? प्लस। तो हमने डाल दिया यहाँ पे प्लस। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? d/dx v, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं v का। v हमारे पास क्या है यहाँ पर? 5x+7। ठीक है जी बेटा, आपने देखा। और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल u। तो u हमारे पास यहाँ पे क्या है? u हमारे पास पहला वाला ब्रैकेट है 2x-5। इतनी बात समझ में आती है? अगर फार्मूला एक्सपेंड करना आता है तो हलवा है, बाकी आगे तो बिल्कुल बेसिक काम तो वही है जो पावर रूल यूज करते हुए हमने करना है और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। मेन चीज इस फार्मूले को खोलना था। फार्मूला हम लोगों ने कैसे यूज किया है कि भाई दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपने देखा u एंड v की फॉर्म में बने हुए, बेसिकली ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले वाले का ब्रैकेट, मतलब के पहले वाले u और फिर v सिंपल मल्टीप्लाई करना है और फिर v का डेरिवेटिव लेके u को मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया? पहले वाले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करने के बाद दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिया और पहले वाले को सिंपल उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आई? होप आ गई होगी। अब आगे हम इसको सिंपल काम करें और अपना आंसर दे दें। सबसे पहले जरा देखें, साइन ऑफ डेरिवेटिव इसके पास भी आएगा, तो जरा ले जाते हैं। साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा x के पास भी आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव हमारा, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा 5 के पास भी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? साइन ऑफ डेरिवेटिव इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ गया। और फिलहाल ये जो 2 था हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दिया, क्यों? क्योंकि 2 इज द कोफिशियंट। तो डेरिवेटिव जो है मेन फंक्शन के साथ लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x के साथ लगाया है।
इतनी बात आपको आई होप समझ भी आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे 5x प्लस 7 जो इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था वो यूं का यूं ही रहा। आगे चलते हैं, अब हमारा साइन ऑफ डेरिवेटिव है इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा और मेन फंक्शन के साथ हमारा डेरीवेटिव लग जाएगा जो कि क्या है यहाँ पर एक्स है। उसके अलावा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स जो है वो अगेन अगली टर्म हमारे पास कल के 7 उसके साथ भी आ गया। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या किया साइन ऑफ डेरिवेटिव इस टर्म और इस टर्म के पास भी लेके गए और उसके अलावा ये जो हमारी अगली टर्म है वो इससे सिंपल मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी वो यूं की यूं ही रही। अब हम यहां पे क्या करेंगे डेरिवेटिव के रूल हैं उनको यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या लेना है डेरिवेटिव ऑफ x, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है, सही जी बेटा, तो सिंपल यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो लिहाजा हम यहां पे 0 लिख देंगे। आगे चलते हैं 5x + 7 ठीक है जी बेटा प्लस अब इधर आ जाए, तो बेटा यहां पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने यहां पे 1 लिख दिया प्लस 7, 7 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 लिख दिया। उसके बाद 2x - 5 ठीक है जी बेटा, जो चीज उससे मल्टीप्लाई में थी वो यूं सिंपल जो वो चीज थी उसको ऐसी का ऐसी रहने दिया, सिर्फ हम लोगों ने डेरिवेटिव लिए हैं इस स्टेप पे। अब हम लोगों को बेसिक सिंपलीफिकेशन करनी और अपना आंसर देना है, तो जरा देखो 2 1 जा 2 और 2 में से 0 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। उसके अलावा बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5x + 7, ये जो ब्रैकेट था वो यूं का यूं ही रहा। इसी तरीके से आगे जरा देखो 5 1 जा 5, 0 को इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां पे बाहर 5 बच जाएगा। उसके अलावा अंदर 2x - 5 ठीक है जी बेटा, अंदर का जो ब्रैकेट था वो यूं का यूं, मतलब कि आगे जो से बाहर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा था वो यूं का यूं ही रहा। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करें और ये वाला जो 5 है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें ठीक है जी बेटा, तो 2 5 जा 10x और 2 7 जा 14 सही जी बेटा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 5 जा 25, इतनी बात समझ में आती है। उसके अलावा जरा देखो 10 और 10 कितने हो गए 20x हो गए। उसके अलावा यहाँ पे 14 माइनस 25 लिखा है तो ये प्लस का और ये माइनस क्या किया है तो यहाँ पे माइनस का 11 बचेगा। अगर तुम लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है तो भाई कैलकुलेटर उठा लिया करो, आप इसको देखोगे तो माइनस का 11 ही बच रहा है। तो बेटा क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि इसका डेरिवेटिव लेना है एच एक्स का, तो डेरिवेटिव जो इसका प्रेजेंट करा है एच डैश एक्स से ही प्रेजेंट हो रहा है जो कि आपने डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो भाई दिस इज योर फाइनल एंड फाइनल आंसर। इसके अलावा आंसर शीट पे आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 किया है जो कि 20x माइनस 11 आना चाहिए था, देख ले बेटा यही हमारा आंसर आया हुआ है ठीक है जी बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई मसले की बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रोडक्ट रूल के थ्रू आपने इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है, तो प्रोडक्ट रूल हम कब यूज करते हैं जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से यानी कि दो फंक्शन जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है जो कि है ये। मेन गेम सिर्फ फार्मूले की है, फार्मूला याद है क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखा एच एक्स इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4, इसका हम लोगों को क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल हम कब यूज करते हैं जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों और उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो चले जाए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं सही जी बेटा, तो इसीलिए डी अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी ले लेंगे और इसीलिए डी अपॉन डी एक्स इस साइड पर भी ले लेंगे जो कि क्या बता रहा है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस फंक्शन, तो यहाँ पे एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 सही जी बेटा, इतनी बात समझ आती है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इसको आप u कंसीडर कर लें और इसको आप v कंसीडर कर लें, तो आप देख सकते हैं ये दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लिहाजा इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस फार्मूले में और इस तरीके से इसका डेरीवेटिव ले लेंगे ठीक है जी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले से, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखें ये क्या होगा एच डैश एक्स ठीक है जी बेटा, डी अपॉन डी एक्स एच एक्स जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बाद छोटा सा एक बार का निशान डाल देंगे जो क्या बताएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव की फॉर्म
सही बेटा, चले अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, वो पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करने के बाद दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेके पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही काम कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यू डॉट वी है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि यू का डेरिवेटिव ले लिया और दूसरे वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि दूसरे पे हमारे पास वी है, दूसरे का डेरिवेटिव लिया और पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यहाँ पे वी यू है हमारे पास। सही है, तो ये चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे हम करेंगे कि भाई यू हमारे पास क्या है, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स। सही है जी बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ यू पे हमारे पास एक्स है तो हमने वो लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वी यानी कि दूसरा जो होता था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 3x² + 4। सही जी बेटा, ये से सिंपल मल्टीप्लाई है, उसके प्लस उसके बाद आगे क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ वी यानी कि जो दूसरा वाला होता था उसका डेरिवेटिव, तो भाई डी अपॉन डी एक्स, दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वी यहाँ पे अंडर रूट 3x² + 4। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, 3x² + 4। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इस स्क्वायर रूट को मैं 1/2 की पावर में खोल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसका लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेने के लिए जो इसकी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई में लूंगा, उसकी पावर में से एक कम करूंगा, तो लिहाजा इसको मैं इसी स्टेप के ऊपर ये चीज कर रहा हूँ, वरना एक एक स्टेप में करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा काम, तो आपने भी ये चीज कर लेनी है। ठीक है ना बेटा, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे ये चीज कर ली, तो डेरिवेटिव ऑफ वी के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय यू, तो यू हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वो मैंने कर दिया। सही है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने इस चीज को एक्सपेंड कर दिया है। अब हम डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एच डैश एक्स इक्वल टू, सबसे पहले लेना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया, इसके बाद ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3x² + 4 से हो रहा है। ठीक है जी बेटा, तो ये तो यू का यू ही रहा, आगे चलते हैं, अब हम लोगों को डेरिवेटिव लेना है 3x + 4 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे चीज समझने वाली है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोगों को बॉक्स फार्मूला यूज करना होगा। बॉक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए उसका डेरिवेटिव और उसके ऊपर पावर कुछ दी जाए, उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक रूल वही करेंगे कि पावर मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर से एक कम कर देंगे। ठीक है जी बेटा, इसकी पावर से एक कम कर देंगे, लेकिन जो बॉक्स है, जो कॉम्प्लेक्स चीज लिखी है, उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में और उसके अलावा मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट की सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्यों, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो काइंडली देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके, कि भाई जो भी चीज है उसको, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स चीज है उसके ऊपर पावर है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पावर मल्टीप्लाई में लेंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और उसके अलावा जो अंदर बॉक्स में जो चीज लिखी होगी उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखिएगा यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो पावर हमारे पास क्या लिखी है, 1/2, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई, और उसके अलावा 3x² + 4। ठीक है जी बेटा, इसके ऊपर पावर के लिखे 1/2, तो 1/2 है, इसको मुझे रफ मतलब कि 1/2 है, चले इसको दिखाई देते हैं, 1/2 है -1। ठीक है जी, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई और इसकी पावर में से एक कम कर दिया। उसके अलावा क्या करते हैं, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, यानी कि जो पावर के अंदर जो चीज लिखी होती है ना, जिसको हमने बॉक्स कहा हुआ है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो लिहाजा इस बॉक्स के अंदर यानी कि इस पावर के नीचे क्या चीज आई हुई है, 3x² + 4 आया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी बेटा, तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसका डेरिवेटिव ले लिया है। उसके अलावा मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स से, तो ये एक्स जो है यू मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये एच डैश एक्स ऐसी क्या रहेगा, 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3x² + 4, यूं का यूं ही रहा, इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 3x² + 4। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, पावर 1/2। ठीक है जी बेटा, 1/2 -1 है, तो इसका एलसीएम लेना है बेसिकली, तो आपने कैलकुलेटर में 2 मिनट में लेके कर लेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, -1/2। सही जी बेटा, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने डेरिवेटिव लेना है इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी। तो जरा देखिएगा डेरिवेटिव जो है हमारा किसके पास आएगा, सबसे पहले पहली वाली टर्म के पास भी आ गया, और इसी तरीके से हमारा डेरिवेटिव दूसरी टर्म के पास भी आ जाएगा जो कि 4 है, और इसके अलावा ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। सही स्टूडेंट, जो साइन ऑफ डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा, 3 हमने साइड पे कर दिया क्योंकि मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगता है, 3 यहाँ पे कोफिशियंट था तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। उसके अलावा साइन ऑफ डेरिवेटिव मेरा 4 के साथ लग गया। सही जी बेटा, आपने देखा कि साइन ऑफ डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ आ चुका है। उसके अलावा हमारी तमाम चीजें ऐसी की ऐसी ही रहीं।
अब हम आगे क्या कर रहे हैं, अब आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ है 3x² + 4, ये यूं की यूं ही रही, प्लस 1/2। अब जरा देखें ये क्या है, ये बेसिकली माइनस का है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव बना लेता हूँ नीचे जाके, तो 3x² + 4, और इसके अलावा इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऊपर माइनस की थी, नीचे आके ये प्लस की हो गई। सही है स्टूडेंट, आई होप ये चीज़ें भी न समझ आ गई होंगी, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसका डेरीवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल के थ्रू लेंगे, कि भाई जो पावर है उसको मल्टीप्लीकेशन में लें और उसकी पावर में से कम कर दें, तो दो में से एक जाएगा तो पावर 1 बचेगी। ऊपर 1 लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है, कॉमन सेंस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 ही लिखा हुआ होगा। सही है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपके पास यहां पे क्या लिखा होगा, 4 का डेरिवेटिव लेना, तो 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है बेटा। और उसके अलावा ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इतनी बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी बेटा। सही है, अच्छा जी, अब आगे जरा देखिएगा यहां पे क्या है, 3x² + 4। उसके अलावा यहाँ पर जरा देखिएगा, एक काम कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ आ जाएगा, क्या जरा देखिएगा, 3x² + 4, ठीक है जी बेटा। बेसिकली ये 1/2 था, 1/2 को हम वापस स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज कर दिया मैंने इसके अंदर। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सही जी, तो इस 1/2 को मैंने वापस स्क्वायर रूट में क्लोज कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ मेरे पास यू बनकर आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें, 2 3 2 6 एक्स हो जाएगा, 0 को उसके अंदर करूंगा तो यही चीज मेरे पास आ जाएगी। उसके अलावा बाहर से x मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है बेटा। उसके अलावा अब मुझे आगे पेपर की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं इस पेज के ऊपर। सही है बेटा, तो आगे जरा देखिए अब हम यहां पे क्या करते हैं, तो भाई h - x = यहां पे जरा देखिएगा, क्यूब 3x² + 4, ये पहली वाली चीज ऐसे कैसी रही, 6x मल्टीप्लाई बाय x किया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जरा देखिएगा 6x मतलब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म कुछ यूं हो जाएगी, ऊपर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसके डोमिनेटर में क्या बनेगा, 2√3x² + 4। यहाँ तक बात समझ आती है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म होके आ चुकी है। अब आप अपना आंसर चाहो यूं भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी बुक के पीछे ना इसको मजीद सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, उसके लिए उसने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, कि भाई डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो यहाँ पे जरा देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यही फॉर्म आ गई, और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो जरा देखिएगा बेटा क्या होगा, ये √3x² + 4 है, ये √3x² + 4 है, तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे और अंदर x² + 4 जो है वो सम आ जाएगा। इतनी बात तो समझ आती है ना, कि भाई मिसाल के तौर पे 2 √√ तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 आ जाएगा। सही जी बेटा, किसी बच्चे की बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है तो जरा देखो, स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है जब स्क्वायर रूट से, तो ये एक दूसरे को स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करके सिंपल अंदर जो चीज होती है वो आ जाता है। तो इसी तरीके से आप देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x² + 4 3x² + 4, तो स्क्वायर से मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर अंदर जो चीज वो हमारे पास आ गई है। उसके अलावा बाहर जो 2 मल्टीप्लाई में तो वो यू का यू ही रहा, तो आप देख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब 1 में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। सही है बेटा, उसके अलावा आप जरा देखें, बिल्कुल अब तो आई थिंक हर चीज क्लियर हो गई है, अब तो तुम्हारा आंसर तुम लोगों के सामने है। 2 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 हो जाएगा x² और 2 4 8 हो जाएगा, प्लस 6x² हो जाएगा, डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में 2√3x² + 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब जरा देखें आगे हम क्या कर सकते हैं, 6x² 6x² तो ये कितना हो गया, 12x² हो जाएगा एंड प्लस 8x². ओहो, मैं एक चीज गलती हो गई मेरे से, मेरे ख्याल से बताऊं क्या, मैं अगर इसको ना, अगर इसको ये देखो 2 1 2 और 2 3 6, इसको मैं इस तरह कर दूं तो मेरे लिए आसानी रह जाएगी, मैं बेफजूल इसको नीचे लेके आया हूँ, उसको इधर मल्टीप्लाई करके अपनी लंबी कर रहा हूँ। आप बताओ क्या करो, इसको आप इसको इस तरीके से करो, इस वाले स्टेप को भूल जाओ, ठीक है ना, आपके लिए आसानी है। 2 1 2 इसको कैंसिल आउट करा तो नीचे आपके पास 1 रह जाएगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ खत्म हो जाएगी। क्यों, जरा देखो, अंदर सिर्फ आपके पास यहाँ पे √3x² + 4 बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सिंपल आपके पास ये ब्रैकेट रखा रहेगा, फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सिंपल आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके अंदर जो चीज़ है 3x² + 4 वो बची रह जाएगी। उसके अलावा प्लस
वन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पे आपके पास ये कैंसल आउट हो गया था टू से, तो यहाँ पे आपके पास थ्री रह जाएगा, सही ना बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर है। अब आपने इस चीज को काइंडली भूल जाना, अब यहां से हम इसका आगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप ही के लिए आसानी की है मेरे लोगों ने, ठीक है। अब जरा देखो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ये थ्री एक्स स्क्वायर है, उसके अलावा फोर लिखा हुआ है और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, ऊपर आपके पास सिर्फ ये बचा हुआ है और डोमिनेटर में आपके पास क्या बचा हुआ है, जरा देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है जी। अब जरा देखो तीन और ये तीन कितने हो गए, छः, ठीक है जी बेटा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है जी बेटा। और उसके बाद इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सही है जी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेसिकली ना इसको इधर काट दिया, अगर मैं यहाँ पे नहीं काटता ना तो इसको आगे लेके आता तो आगे जाके टू कॉमन लेता, वो कैंसिलेशन करता, बहुत लंबी होनी थी, तो इसीलिए शुरू में हम देख रहे कट रहे तो काट दिया, सही है बेटा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, हम आपको आंसर शीट पे आंसर भी चेक करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टू किया है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है जी बेटा, और डोमिनेटर में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो आप देख सकते हैं जो आंसर हम लोग लेके आए हैं वही आंसर हमें पीछे दिया गया है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टू होता है कंप्लीट, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।